आपको कई सारे वीडियो आज देखने को मिलेंगे। कोविशील्ड वैक्सीन अगर आपने लगवाई थी तो एक बुरी खबर आपके लिए, कितने लोगों को आज से लगी है, इससे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट बनते हैं। आपने लगवाई थी कुछ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, जैसे आपको पता उस फियर मॉन्गरिंग वाले लोग जो है कई लोगों की जान जा चुकी है, ब्रेन स्ट्रोक, मौत, खतरे वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम है कि भाई ऐसे वीडियोस के नीचे जाके कमेंट करो कि वो वीडियो जाएंगे वायरल और वो वीडियोस भी लोग डरेंगे। वहां जाके आप कमेंट करो कि भाई यह वीडियो टॉपिक के बारे में पूरी डेप्थ में सोचें, रिसर्च देखें, या फिर कम से कम आके आप डॉक्टर एजुकेशन के चैनल पर यह वीडियो देखें। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो बीमारी बात हो रही है थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, ये क्या होता है और क्या ये वैक्सीन से हो रहा है और क्या सिर्फ और सिर्फ एक ही वैक्सीन से हो रहा है। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि क्लॉट जो है वो प्लेटलेट से बनते हैं और प्लेटलेट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके जुड़ के एक दूसरे से जुड़ के क्लॉट बनाते हैं। तो जब इस तरह से प्लेटलेट शरीर के अंदर क्लॉटिंग में ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होते हैं तो शरीर के अंदर प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है। अगर शरीर में कोई ऐसी बीमारी है, बेसिकली हम इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, अगर कोई भी प्रोसेस, कोई भी चीज जो खून के सेल्स के ऊपर इन्फ्लेमेशन करे या खून की नसों के अंदर इन्फ्लेमेशन करे तो वो वहां पर क्लॉटिंग को प्रमोट करता है। थ्रोम्बोसिस यानी क्लॉटिंग होती है और यही क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स का यूज होता है। तो अगर क्लॉटिंग ज्यादा मात्रा में होती है तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। ये एक नोन फिनोमिना है कि कई वायरसेस के वजह से या कई वैक्सीन के वजह से ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि कोविड वायरस अपने आप में एक प्रोथ्रोम्बोटिक वायरस था, उसके वजह से भी कोविड के ऊपर मौजूद प्रोटीन्स, जो सरफेस प्रोटीन, एस प्रोटीन या ऐसे कई प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे जो बॉडी के अंदर जाके ऑटो इम्यून रिएक्शन ट्रिगर करते हैं और ये एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स इन्फ्लामेशन यानी वहां इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। कहां पर? खून की नसों के अंदर वाली लाइनिंग, जिसे हम एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं। जब भी बाहर से हमें चीरा लगता है तो आके क्लॉट बन जाता है, बिल्कुल वैसे ही अगर खून के अंदर की लेयर, अंदर के सर्फेस पे भी चीरा लगेगा या इन्फ्लामेशन होगा, स्क्रैच होगा, जल जाएगा, इन्फ्लाम होगा, तो वहां पर भी क्लॉटिंग रिएक्शन ही आएगा। उसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग प्रमोट हो जाती है और इसीलिए कोविड 19 में भी कई सारे क्लॉट्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड केसेस देखने को मिले थे, जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, और किसी के ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ था, किसी के हार्ट में, किसी के लंग्स में, किसी की आंतों में। तो कोविड जहां जहां गया उसने इन्फ्लामेशन किया। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम कोविड वायरस के सर्फेस प्रोटीन को लेके कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उसमें भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि वो वैक्सीन भी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस कर सकता है, और वही इस तरह से वैक्सीन के साथ हुआ। जो बीमारी है वो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ये उसी वायरस का एक पार्ट जो लेके वैक्सीन बनाई गई है। वो किसी भी एडिनो वायरस वेक्टर वैक्सीन जैसे एस्ट्राजेनिका है उसे हो सकता है, उससे ब्लड क्लॉट हो सकते हैं, ब्लड क्लॉट ज्यादा होते हैं तो प्लेटलेट काउंट लो हो सकते हैं, और ये वैक्सीन के बाद भी हो सकता है, वायरस के बाद भी हो सकता है। क्लॉटिंग एक रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट है। इसकी बात 2021 में भी हुई थी कि भाई इससे क्लॉट हो रहे हैं, और बात आप अगर न्यूज देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि पहले बताया गया था 1000 में से एक इंसान को क्लॉटिंग हो सकती है, हिट रिस्क ऑफ क्लॉट हो सकता है। 2022 में भी इसके कई रिसर्च पेपर्स आए जिसमें एक्चुअली डॉक्यूमेंट किया गया कि वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है और ये इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसमें क्या होता है, तो वो सब बताया गया। आज तो ये न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कंपनी खुद मान रही है कि ऐसा होता है जो एक्चुअली में पहले से पता है, लोगों को, डॉक्टर्स को पता है, जनरल नॉर्मल पब्लिक को ये चीज बहुत क्लियरिफाइड तरीके से नहीं बताई गई होगी। बॉडी के अंदर किसी में अगर 1% बहुत माइनर क्वांटिटी ऑफ क्लॉट्स बनता है तो उसे पता भी नहीं चलेगा, उसकी बॉडी उसे एडजस्ट कर लेगी। और ये रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे अंदर रोज कई जगह पे इन्फ्लेमेशन होता है, कई जगह पे क्लॉट्स बनते हैं, कई जगह खुल जाते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि किसी एक इन्फ्लेमेटरी बड़ा रिस्पॉन्स अगर आ जाता है बॉडी के अंदर तो वो बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि वो क्लॉट्स बहुत हाई लेवल पे हो जाए तब हमारी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में खून की नसों में इन्फ्लेमेशन नहीं होता, होता है लेकिन वो कंट्रोलेबल है। उसी को हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस बोलते हैं कि थोड़ा बहुत, जैसे हमारी बॉडी में कभी चोट लग गई, एक बूंद खून निकल गया तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन पूरा बड़ा बड़ा कट लग गया और खून ही खून बह गया तो आदमी मर भी सकता है। बिल्कुल उसी तरह हमारे शरीर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या इंटरनली इन्फ्लेमेशन खून की नसों में होते रहते हैं, जिसी की वजह से लंबे समय में एक उम्र के बाद लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स आती है। यहां पर बात हो रही है कि वायरस और उसकी वैक्सीन खुद अपने आप में एक एडिशनल इन्फ्लेमेटरी सोर्स बन जा रही हैं। जो वैक्सीन रिलेटेड इम्यून थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाला रिस्पॉन्स है ये ज्यादातर वैक्सीन लगाने के एक महीने के अंदर या 40-45 दिन के अंदर ही हो जाता है, और उसके वजह से पहले 30 दिन में या पहले महीने में ही लोगों को सिम्टम आ सकता है अगर कोई बड़ा क्लॉट किसी बड़ी जगह पे जाके अटक जाए, जैसे कोई ब्रेन में अटक जाए तो सर में दर्द, आंखों में अटक जाए तो विजन प्रॉब्लम, पेट में गड़बड़ हो तो पेट में दर्द,
हार्ट में जाए तो छाती में दर्द, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैरों में जाए तो पैरों में स्वेलिंग, बहुत ज्यादा प्लेटलेट काउंट कम हो जाए तो जल्दी जल्दी उसको इजी ब्रूजिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन रेयर है विद वैक्सीन, इवन वायरस के साथ रेयर है, क्योंकि ये रेयर की बात होती है जब वो इतना सिवियर हो जाता है कि वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो ये छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन और चीज तो हर एक इंसान में डेली बेसिस पे होती है और वो वायरस या वैक्सीन इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स करेगा, बट वो बॉडी हैंडल कर सकती है। अब रिस्क की बात करें तो यंगर इंडिविजुअल्स और वुमेन, यंग इंडिविजुअल्स और वुमेन के अंदर ये ज्यादा कॉमनली देखा जा रहा है, उनको रिस्क ज्यादा है। इस वैक्सीन से वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, उसके डायग्नोसिस के भी क्राइटेरिया है, उस रिसर्च है जिसमें उसके डायग्नोसिस के 5 क्राइटेरिया दिए गए हैं कि एक तो वैक्सीन लगाए हुए अगर 42 डेज के अंदर अंदर है ऑनसेट आ गया, सिम्टम्स आ गए हैं जो मैंने सिम्टम्स बताए जिसमें सिर में दर्द, आंखों में प्रॉब्लम, विजुअल इशू, पेट में दर्द, उल्टी आ रही है, बैक पेन आ रहा है, सांस फूल रहा है, लेग में दर्द है, या बहुत ज्यादा इजीली ब्लीडिंग है, ब्रूजिंग हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि शरीर में कहीं क्लॉट या प्लेटलेट काउंट कम है। तो ऐसे में फिर टेस्ट किया जा सकता है। क्या टेस्ट किया जा सकता है? तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि वैक्सीन, कोविड की वैक्सीन लगाए 45 दिन या 42 डेज के अंदर अंदर है वो सिम्टम्स चालू। सेकेंड टेस्ट हम करते हैं कि आर्टीरियल या वीनस थ्रोम्बोसिस का कोई ना कोई सिम्टम हमारे पास सिग्निफिकेंट एविडेंस है कि हमें क्लॉट दिख रहा है, कि ब्रेन में हमने टेस्ट किया, सीटी एंजियोग्राफी किया, ब्लड पेट में किया और हमें क्लॉटिंग दिख रही है, ठीक है। थर्ड, प्लेटलेट काउंट कम है, कितने से कम, 1.5 लाख से कम है, अगर प्लेटलेट काउंट अगर 1.5 लाख से कम है। और चौथा, डी डाइमर टेस्ट आता है, डी डाइमर जो 4 गुना से बड़ा हुआ है, अगर डी डाइमर 4 टाइम्स एलिवेटेड है। और पांचवा टेस्ट होता है पॉजिटिव PF4 HIT टेस्ट, एलाइजा टेस्ट, जैसे हिपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया टेस्ट कहते हैं इसे। तो हिपेरिन के वजह से अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो रहा है तो, मगर ये एक क्राइटेरिया बनाया है जो स्टडीज में एक पहला स्टेप होता है कि एक बीमारी अगर नहीं आ रही है वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटो किस किस में है ये पता करने के लिए ये 5 क्राइटेरियाज हैं, टेस्ट हैं, साथ में सिम्टम्स हैं। और अगर किसी को सिम्टम्स आते हैं, किसी को डायग्नोस होता है, किसी का डी डाइमर 4 गुना बड़ा है, प्लेटलेट काउंट कम है, तो उसके हिसाब से फिर उस पेशेंट को मैनेजमेंट किया जाता है। उसके लिए फिर आपको हो सकता है खून पतला करने की दवाई दी जाए जो हिपेरिन के अलावा दूसरी होती है, जिससे कि आपके क्लॉट्स और ना बने, आपके प्लेटलेट्स अगर बहुत कम है तो प्लेटलेट आपके चढ़ाए जाए, आपके ऊपर नजर रखा जाए कि आपके वाइटल ऑर्गन्स जो है, हार्ट है, ब्रेन है, उसमें कोई क्लॉट या उसके कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, और मैनेजमेंट उसका किया जाता है। बहरहाल इस बात पर मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है कि ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको लॉन्ग कोविड हो रखा है। लॉन्ग कोविड अपने आप में थ्रोम्बोटिक डिजीज है, हाइपर थ्रोम्बोटिक या कोएगुलेशन उसमें बढ़ जाता है। तो ऐसे कई लोग होंगे जिनको मान के, यंग लोग, फीमेल, मैं अपने आप को मान के चलता हूं कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं क्लॉट्स होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या मैं हमेशा ये टेस्ट करते रहूं? क्या मैं अपने सिम्टम्स को चेक करता रहूं? क्या टेस्ट कराते रहूं? नहीं, हम वो नहीं कर सकते। हम अपनी एक्टिविटी, अपनी लाइफस्टाइल को देख सकते हैं कि बॉडी के अंदर एक नॉर्मल होम्योस्टैटिक सिस्टम है जो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर किसी के पैर पे डंडा पड़ता है, पीठ पे डंडा पड़ता है, तो वहां पे इंटरनली क्लॉट्स बनते हैं और कुछ महीनों के बाद वो पूरा बिल्कुल नया जैसा हो जाता है। तो शरीर में सिस्टम है, वो बड़े से बड़े घाव को, क्लॉट को फिर से ठीक कर सकता है अगर आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल सही है, आप एक्सरसाइज करते हैं, नींद सही लेते हैं, पानी अच्छा पीते हैं, आप अपनी बीमारियां, अपने सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करते, रेगुलर टेस्ट करते हैं। तो जहां ये सच है कि ये सारी चीजें दुनिया में हो रही है, वहां ये भी सच है कि एक बहुत बड़ा हाथ आपके लाइफस्टाइल का है। अगर आप बचना चाहते हैं इस टाइप की कॉम्प्लिकेशन से, तो एक, अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करो, दो, अपनी लाइफस्टाइल में जो गड़बड़ी आप करते हो, जंक फूड खाते हैं, मोटापे इग्नोर करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, रात रात भर जागते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उन चीजों को करेक्ट करें और अपने जनरल फिजिशियन, अपने डॉक्टर, फैमिली फिजिशियन, अपने डॉक्टर से अपने सिम्टम्स डिस्कस करके आगे जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए स्टेप है वो लें। देखिए, चिंताजनक नहीं है, क्योंकि ये बात कि भाई हाँ, क्लॉटिंग कोविड के बाद से बहुत कॉमन हो गई है, बढ़ गई है, कोविड, लॉन्ग कोविड, वैक्सीन, बैड लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, पेस्टिसाइड, डायबिटीज, मोटापा, मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स हैं दुनिया में। और इस मल्टीपल इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स में सिर्फ एक फैक्टर को मान ले, जिसमें आज के डेट में हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम बैक एंड में जाके हम वैक्सीन को रिवर्स तो कर नहीं सकते, तो हम उस पर काम करें जो हमारे हाथ में है। देखिए, एक डॉक्टर का ओपिनियन अलग होता है और एक मेडिकल रिसर्च डेटा अलग होता है। इवन 2021 में ये बात निकली थी कि भाई 1000 में से 1 इंसान को अगर क्लॉट बनता है तो क्या वो रिस्क लेने लायक बात है, तो वो भी बात हमने बताई थी कि भाई ये वैक्सीन के ऊपर कायदे से 10 साल तक लग जाता है एक वैक्सीन की सेफ्टी को असर्टन करने में कि ये वैक्सीन सेफ है कि नहीं। और
वहां पर जब एक ऐसी सिचुएशन थी इंडिया के अंदर जहां यंग लोगों को, बुजुर्गों को, यानी लोग इतनी ज्यादा मात्रा में हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, मर रहे हैं, लोगों को जलाने की जगह नहीं मिल रही थी, लोग रोड पे लोगों को जला रहे थे, ऐसी सिचुएशंस में ये सवाल था अथॉरिटीज के पास कि भाई एक वैक्सीन है जिसकी इफेक्टिवनेस दिख रही है लेकिन इसमें 1000 में से 1 में, अब ये नंबर रिसर्च ऊपर नीचे कर सकती है आगे चल के, लेकिन क्लॉटिंग का रिस्क है, तो क्या हम वो वैक्सीन आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं या फिर हम लोगों को मरने दें। तो वो डिसीजन जिसने लिया वो वहां बैठे हैं मिनिस्ट्री में, WHO में। हम यहां से एक सिंगल डॉक्टर उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते ये बोल के कि नहीं वैक्सीन से कुछ नहीं हो रहा या वैक्सीन से ही हो रहा है। किसी भी तरीके का वायरस हो उसका वैक्सीन उसी का या तो एक पार्ट होता है, मरा हुआ वायरस होता है, या एटेन्यूएटेड लाइव वायरस होता है जो कि पूरी तरह से उस बीमारी को पैदा करने में असमर्थ होता है, लेकिन उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप कर सकता है, उसके खिलाफ वैक्सीन के साथ एलर्जी हो सकती है। इस तरीके से बहुत से वैक्सीन में रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखा जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि ये वैक्सीन हमेशा देने के लायक है या नहीं है। ये भी मान के चल लेना कि भाई क्योंकि कोरोना वायरस के ऊपर या उस वैक्सीन से इस तरह के रिस्क था तो आज के बाद हम कोई वैक्सीन नहीं लेंगे, वो भी गलत है, क्योंकि दुनिया भर की वैक्सीन के ऊपर कई सालों से रिसर्च है कि वैक्सीन से फायदा है और वैक्सीन से ही आप बचो। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% ऑनेस्टी, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, WHO और सारे ही डॉक्टर्स के द्वारा आनी चाहिए, जो आपके हाथ में है, जो आपके बोलने लायक चीज है वो बोलिए, रादर देन कि एक डॉक्टर वैक्सीन कंपनी की तरफ से बोले कि नहीं वैक्सीन से तो कुछ नहीं होता जी, वो भी गलत है।